अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम हैविंग अ बैड थ्रोट, वॉइस पिच विल बी अ लिटल डिस्टर्ब। प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा कि किस तरह से साइक्स जो है एक नोज़ बना के ही पुट दैट नोज़ ओवर हिज हेड, वो अपने सर से गुजारता है। अभी वो उसके बाजू तक नहीं गई होती तो उसको ऐसा लगता है कि उसने नैन्सी को देखा या नैन्सी की आँखें उसे नज़र आई हैं, और वो रस्सी जो है वो उसकी गर्दन में ही अब तक होती है और अचानक उसका पाँव फिसल जाता है। आफ्टर दैट ही ट्राइड टू होल्ड ऑन टू द रूफ, उसने बहुत कोशिश की कि वो छत पर ही रहे या छत को पकड़े रहे। टू द एज ऑफ द रूफ, उसने छत का किनारा पकड़ने की कोशिश की। टू द वॉल ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग, उस दीवार की तरफ जहाँ पर के ओल्ड बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग थी। बट ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ, लेकिन वो अपने आप को रोक ना सका। उसने बहुत कोशिश की कि उस पुरानी बिल्डिंग का कोई ना कोई किनारा, कोई ना कोई उस छत का हिस्सा पकड़ सके, लेकिन वो अपने आप को नहीं रोक सका। डाउन ही वेंट, वो नीचे चला गया। ही ड्रॉप्ड लाइक अ स्टोन, वो एक पत्थर की तरह गिरा। स्टॉप ऑल ऑफ 35 फीट, सारे 35 फीट, 35 फुट का सारा फासला जो था वो गिर गया। देन ही स्टॉप्ड, और फिर वो रुका। इन लेस देन अ सेकेंड, और एक सेकेंड से भी कम वक्त में, द नोज टाइटन्ड अराउंड हिज नेक, वो नोज़ वो दायरा जो था उसके गर्दन के गिर्द और कस गया, सख्त हो गया। एंड ब्रॉक इट, और वो टूट गई। ही डाइड एट वंस, वो एकदम ही मर गया। देयर ही हंग, वो ज़मीन तक पहुंचा नहीं था क्योंकि उसने रस्सी बांधी भी और अपने गिर्द भी घुमाई तो रस्सी ख़त्म हो चुकी थी, वो ज़मीन तक नहीं पहुंचा था, उससे पहले ही वहीं पर लटक गया। द डेड बॉडी ऑफ द किलर मूव्ड स्लोली बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स एट द एंड ऑफ द लॉन्ग रोप, और उस कातिल की बॉडी जो है उसका जिस्म वहीं पर रस्सी के साथ लटकता झूल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता, कभी आगे और पीछे। द क्राउड वॉच्ड, हुजूम देखता रहा। नो वन स्पोक, कोई भी ना बोला। सडनली, अचानक, अ डॉग रैन टूवर्ड्स द डेड मैन, एक कुत्ता भागता हुआ मरे हुए आदमी के पास आया। इट वॉज साइक्स ओल्ड फ्रेंड, ये साइक्स का पुराना दोस्त था। द डॉग जम्प्ड अप, उस कुत्ते ने ऊपर छलांग लगाई। ट्राइंग टू रीच इट्स मास्टर, अपने मालिक तक पहुंचने के लिए। बट इट मिस्ड, लेकिन उससे चौंक गया। इट फेल टू द ग्राउंड, और वो फर्श पर गिर गया। एंड हिट इट्स हेड अगेंस्ट अ स्टोन, और एक पत्थर से उसका सर जा लगा। इट ड्रॉप्ड इन टू द मर्ड, वो मिट्टी में गिर गया। एंड ले देयर, और उधर ही लेट गया। नॉट मूविंग, कोई हरकत ना की। इट टू वॉज डेड, वो भी मर चुका था। डॉग के साथ साइक्स ने जो भी किया वो अभी तक उसके साथ बहुत ऑनेस्ट था, बहुत ही लॉयल था, और उसने कोशिश की कि वो अपने मालिक को बचा सके किसी ना किसी तरह, लेकिन उसको बचाने की कोशिश में उसकी खुद की भी जान चली गई। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपको प्रीवियस लेसन के भी क्वेश्चन आंसर्स जो प्रोवाइड नहीं किए गए कर दिए जाएंगे, क्योंकि हमारी रीडिंग ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है। टिल देन आप आज या कल में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लाजमी नहीं है कि आज मिले क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन आप लोग री रीडिंग करें, डिक्टेशन वर्ड्स पॉइंट आउट करें, याद करें। इसकी प्रीवियस जो एक्सरसाइज है एट द एंड ऑफ द बुक, यू मस्ट हैव टू डू दोज एक्सरसाइजेस। कंप्लीट योर होमवर्क, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, मीट यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। अल्लाह हाफिज़। एक बात, आपका ग्रामर का जो है सिर्फ एप्लीकेशन रह गई है, बाकी मज़ीद हम क्रिएटिव राइटिंग के अलावा और कोई काम नहीं करेंगे। और ग्रामर बुक का जो काम है
वो इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।